कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। जो हम इंस्ट्रक्शन रिटर्न में देते हैं उसको कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझ सके उस प्रोग्राम से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर किसी भी इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंस में सेट करता है डाटा रिक्वायर्ड टू रन और ऑपरेट ए कंप्यूटर, जिससे कि कंप्यूटर उसको रन कर सके और ऑपरेट कर सके। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू ऑल द प्रोग्राम विच मेक ए कंप्यूटर वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह है जिससे कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स वर्क करते हैं। सपोर्ट्स ए डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है, सपोर्ट करता है। असिस्ट्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू मेक दैम वर्क टूगेदर, के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल करता है। मैनेज एंड रेगुलरली द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के ओवरऑल वर्क ऑपरेशन को यह मैनेज करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल ऑल द डिवाइस और रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी डिवाइसेज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट टेक्स केयर ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइज ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स उनको यूटिलाइज करने कहता है। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लोड करते हैं सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। एग्जाम्पल यूनिक्स, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स एक्सेट्रा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दिस ट्रांसलेटर ट्रांसफॉर्म द इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर बाय प्रोग्रामर इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंबाइलर। इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन ए हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट दीज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर, इट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज इन टू मशीन कोड, ये ट्रांसलेट कर देते हैं जो भी हम प्रोग्राम देते हैं उसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज इन टू मशीन कोड्स में। इट कंपाइलर, इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट करता हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। द ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन आर कीप्ड स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर फर्दर एजुकेशन, कंप्यूटर के फर्दर यूज के लिए ये इसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करके रखता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दिस प्रोग्राम हेल्प्स यूजर इन कंप्यूटर मेंटेनेंस टास्क। सम ऑफ द एसेंशियल यूटिलिटी प्रोग्राम आर एस फॉलोज, कंप्यूटर्स में जितने भी प्रोग्राम डालते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम उसको हेल्प करता है। एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, डिस्क कंपैरिजन यूटिलिटी। एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम, दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस इन्फेक्शन, कंप्यूटर में वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। दिस यूटिलिटी गिव द सॉल्यूशन टू टैकल न्यू वायरस, कंप्यूटर में कोई भी न्यू वायरस अगर अटैक करता है तो ये उसका सॉल्यूशंस कर देता है। बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम, ए बैकअप यूटिलिटी इनेबल क्रिएशन ऑफ कॉपी ऑफ डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडिया सच एज ए फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। जब भी हमें किसी भी चीज़ का बैकअप लेना होता है तो हम बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से लेते हैं, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, टू अप्लाई ए न्यू डिस्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम वी रिक्वायर टू फॉर्मेट इट्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस फॉर्मेटिंग यूटिलिटी इनेबल अस टू परफॉर्म दिस टास्क विद ए ग्रेट ईज।
this comparison utility. This utility assists in reducing the size of the file to save disk space. ये क्या करती है utility कि कंप्यूटर में जो भी हम फाइल सेव करते हैं उसका साइज को रिड्यूस कर देती है. इट डबल्स अप द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क, जिससे कि उसके डिस्क सीडी में हम उसको स्टोर कर सकें. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन टू द डू जनरल एज वेल एज द स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर में स्पेसिफिक टास्क के लिए यूजर के डिजाइन किया जाता है. दे असिस्ट ए यूजर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन सच वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग डाटाबेस एक्सेट्रा. इसके वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप फॉर द कॉमनली यूज टास्क सच एज डाटा बेस मैनेजमेंट पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग स्पेसिफिक एसेट. जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं स्पेशल टास्क के लिए, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस सॉफ्टवेयर असिस्ट अस इन क्रिएटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज ए लेटर, रिपोर्ट, बुक्स एक्सेट्रा ऑन ए कंप्यूटर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट करता है, किसी भी हमारी फाइल को क्रिएट करता है, एडिटिंग कर सकते हैं, व्यूइंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की. वो डॉक्यूमेंट्स हमारा लेटर के फॉर्म में, रिपोर्ट्स, बुक, किसी भी फॉर्म में हो सकता है कंप्यूटर में. इसका एग्जाम्पल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. दिस सॉफ्टवेयर इज ए न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल that permits us to create a types of computerized ledgers. Computerized ledgers बनाने के लिए numeric data के हम Microsoft Excel का यूज करते हैं. A spreadsheet is just a sheet of paper with row and column. इसका पेज जैसे रो और कॉलम के पेज के जैसा होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं. इन विच वन कैन एंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्स्ट. इसमें हम जो डाटा डालते हैं वो नंबर ऑफ, अल्फ़ाबेट दोनों फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट और टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका एक एग्जांपल है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. दिस सॉफ्टवेयर एक्सिस्ट अस टू ए यूज ए कंप्यूटर सिस्टम टू क्रिएट, एडिट, व्यू, स्टोर, रिटायर एंड प्रिंट ऑफ डिजाइन, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, पिक्चर्स, ग्राफिक एक्सेट्रा. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन वर्क के लिए किया जाता है. किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए, देखने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रिंट करने के लिए किया जाता है. एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट असिस्ट अस टू प्रिपेयर ए डाटाबेस, मेंटेन इट, ऑर्गेनाइज इट्स इन डिजायर्ड फैशन एंड सिलेक्टिवली रिटायर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर्म इट. जब हमें ज़्यादा फॉर्म में डाटा स्टोर करना होता है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करते हैं, ये किसी भी डाटाबेस को स्टोर करने, मेंटेन करने और ऑर्गेनाइज करता है. एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर अकाउंट, फाइनेंस एंड इन्वेंट्रीज ऑफ एसेंशियल आइटम. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किसी भी डाटा को अकाउंट्स, फाइनेंस एंड इन्वेंट्रीज बनाने के लिए किया जाता है. एग्जांपल टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली. स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स सच एज पेरोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर एड्स डिजाइन एक्सेट्रा. स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है पेरोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल, एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर एडिट डिजाइन करने के लिए. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस सॉफ्टवेयर असिस्ट अस इन क्रिएटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, पेरोल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर आर अप्लाई फॉर सैलरी कैलकुलेशन, बोनस कैलकुलेशन, ग्रोस टू नेट कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, ईयर
एंड टैक्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा। पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सैलरी कैलकुलेशन हो सके, बोनस की कैलकुलेशन, ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन को हम कर सकें। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर अलाउ अस ए कंप्यूटर टू बी अप्लाइड टू अस टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व दोज डैट आर यूज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एनी अदर सब्जेक्ट्स। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमारे मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स की टीचिंग्स करने में हेल्पफुल हो। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर अलाउ ए कंप्यूटर टू बी अप्लाई एज एन एंटरटेनमेंट टूल्स। कंप्यूटर में इंटरटेनमेंट्स टूल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। कंप्यूटर वीडियो गेम्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में वीडियो गेम जैसे सॉफ्टवेयर इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं।